फैक्ट एक, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। वैसे दोस्तों कंट्रोवर्सी तो बहुतों के बीच होती है, वैसी यह कंट्रोवर्सी हुई है फैक्ट एक और संदीप महेश्वरी के बीच। अब आप देखने वाले हो कि कैसे फैक्ट एक ने संदीप महेश्वरी के हर एक बात का जवाब अपने कैसे फैक्टाना अंदाज में दिया है। सोचा और वो हो गया, किसी पर्सन के बारे में सोचा और उसका फोन आ गया एकदम से। अब आप क्या कहोगे, यहां से मैंने अपने थॉट्स की एक फ्रीक्वेंसी छोड़ी थी, उसको मिली, उसने पकड़ी और उसने फोन कर दिया। होता है ना, ये सब क्या है, ये रियलिटी है या अंधविश्वास है? अंधविश्वास। अच्छे से दोनों में फर्क समझ लेना, अंधविश्वास क्या है, रियलिटी क्या है। रियलिटी मींस दैट व्हिच कैन नॉट बी क्वेश्चन्ड। कुछ लोग कहेंगे कि तुम जो वेव कहते हो वेव निकलती है, वो दिखती कहाँ है, इसका कोई प्रूफ किसी ने आज तक तो देखा नहीं। अरे भाई, हवा होती है क्या? आप बोलोगे कि हाँ होती है। आपने आँखों से देखा है क्या? नहीं देखा, पर फिर भी होती है ना। सिंपल, आप जब मोबाइल फोन से बात करते हो तब आपकी आवाज इलेक्ट्रिकल रेडियो वेव्स यानी आवाज बिजली में कन्वर्ट होके वो हवा में मौजूद रेडियो वेव्स के जरिए एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रेवल करती है। पर वो वेव आज तक किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा है। सिंपल, पर वो वेव होती है ना। ऑफ कोर्स होती है। वैसे भी आजकल के युग में तो वही टिपिकल मोटिवेशन चलती है कि मुझे करना है, करना है, करना है, अरे घंटा करना है। लोग कहते हैं कि इस काम पे पूरा फोकस लगा दो, उसके बाद अपने दिमाग में वो गोल सेट करो, ये करो, वो करो। अरे यार, ये कोई नहीं कहता है कि कैसे करो। जब सब कुछ आप अपने दिमाग से ही करते हो और भविष्य में सब काम आपको दिमाग से ही करना है, तो जब आपका दिमाग ही साथ नहीं देगा तो आप कैसे करोगे अपना गोल सेट और कैसे अपने सपनों को पूरा करोगे? जब बहुत बुरा वक्त चलता है ना, तब घंटा समझ आता है मोटिवेशन। आपने ये पूछा है कि ऐसी बहुत सारे लोग वीडियोस डालते हैं, अवचेतन मन की शक्ति, सुबह उठते ही ये करो, रात को सोने से पहले ये करो और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी देखी होंगी आपने भी वीडियोस? हाँ, बहुत। उनकी भी सारी वीडियोस देखी? नहीं नहीं, मैंने कुछ देखे हैं, कुछ आइडिया है। अगर वो सारी देख लूंगा तो मेरे दिमाग में कचरा भर जाएगा, फिर मैं भी ऐसी ही बातें करूंगा आप लोगों के साथ में बैठ करके। अब अपनी शक्तियों को आप बढ़ाइए, अब ये होगा, वो होगा, फिर देखिए 8 दिन में 10 दिन में मिरेकल हो जाएगा। जो भी मिरेकल की बात कर रहा है, समझ जाओ बंदा कचरा है। जब भी मैं आपके शरीर या दिमाग के बारे में किसी अनोखी शक्तियों के बारे में बात करता हूँ तो कुछ लोगों को, आपको नहीं बोल रहा दोस्त, कुछ एकाध लोगों को ना ये बातें हवा लगती है। ये दिमाग वाली फैक्ट्स और बातें उन लोगों को झूठ लगती है। नहीं, सच में इन बातों को क्लियर करना बहुत जरूरी है। नहीं मानने वाले ये कहते हैं कि ये बंदा अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता वगैरह वगैरह। अरे भाई, ये कोई अवचेतन मन नहीं है, ये अवचेतन मन की शक्ति है भैया। अभी भी ये मत समझ लेना मेरी बातों से कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट हूँ। मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एज इट इज देखता हूँ चीजों को, जैसे एक साइंटिस्ट देखता है। क्या मानते हैं कि अगर हम अपने थॉट के लेवल पे कुछ सोचते रहें तो वो चीज हमारे पास आ जाएगी? ऐसा हम सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? झूठ मत बोलो। हम मानते हैं ना कि अगर हम इस चीज के बारे में सोचते रहेंगे तो वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी, वो चीज हमारे आसपास में आ जाएगी। किसी गाड़ी के बारे में सोचते रहेंगे तो वो हमारे पास में आ जाएगी, व्हाटएवर। और ये होता भी है, लेकिन कैसे होता है, कभी हमने इसको समझा है? और लगा दो अपनी सोच की पूरी पावर, अपना सारा ध्यान सब जगह से हटा दो, सिर्फ बैठ करके इमेजिन करते रहो। काली पीली टैक्सी यहां पर मुझे दिखेगी, बस स्टॉप पे आप बैठ जाओ, समाधि लगा लो वहां पर 20 दिन के लिए, ना खाओ ना पियो, बस यही सोच रहो काली पीली टैक्सी दिखेगी क्या? तो जो होता है वही दिख जाता है, वो कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ है, आपको दिख गया है। क्यों दिख गया है? क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे हो। पहले नहीं दिख रहा था, क्यों? क्योंकि उसके बारे में नहीं सोच रहे थे, बस इतना ही तो है। What we are today comes from our thoughts of yesterday and our present thoughts build our life of tomorrow. Our life is the creation of our own mind. Last line पे आप गौर कर रहे हो, life is a creation of our own mind. इस बात की गहराई को देखो, आपकी जिंदगी आपका मन और दिमाग की ही रचना है। यहाँ पर सीधा सीधा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत की बात की जा रही है। तो इस दुनिया में कई लोग हैं जो आकर्षण के सिद्धांत को सच नहीं मानते, पर वो तो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ये सब करते हैं कि हाँ ये मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चैलेंज कर सकता हूँ, देखो मुझ में कितना दम है, ये। अरे ये चीप स्टंट बंद करो भाई, गौतम बुद्ध की बातों को चैलेंज मत करो। एक इनलाइटेंड यानी जागृत व्यक्ति की बातों को चैलेंज करना बचपना और बेवकूफी है। तो यार ये थी फैक्ट एक और संदीप महेश्वरी के बीच हुई कंट्रोवर्सी।
दिल से कहूँ तो दोनों अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। फैक्ट है कि अपनी जगह अच्छे हैं और संदीप महेश्वरी अपनी जगह पे अच्छे हैं। भले ही इन दोनों के ख्यालात एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, पर फिर भी सच कहूँ तो मुझे फैक्ट एक बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या वो आपको भी उतना ही पसंद है जितना मुझे पसंद है? वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक धमाकेदार एपिसोड में।